हम बेटा कंस्ट्रेंट कर रहे थे, यस और नो, हम क्या कर रहे थे, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी तक हमने कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में एक तो कैलकुलस अप्रोच सीखी है कुछ क्वेश्चन को करने की, एक हमने स्ट्रिंग की पढ़ी थी कि स्ट्रिंग में अगर हमारे पास क्या कहते हैं स्ट्रिंग है और दो एंड्स पे दो बॉडीज कनेक्टेड है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोनों बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, यस और नो, ठीक है। अब दूसरा हमने एक वर्चुअल वर्क मेथड पढ़ा था, ठीक है, इतनी चीजें पढ़ी थी। अब हम कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और हर क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से करेंगे, ठीक है, तीनों तरीके से, वर्चुअल वर्क से, कैलकुलस से और अलोंग द स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग है तो। चल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये ब्लॉक ए रस्सी पुली के ऊपर से गई और ये बी, ए वाला ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बेटा हैंड रेज मत करो, ठीक, 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये एंगल हमारा 37 डिग्री गिवन है, मुझे इस इसकी वेलोसिटी चाहिए वी बी, क्लियर भाई, किसकी वेलोसिटी चाहिए, वी बी चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब आप एक चीज देखो, अगर ये रस्सी इधर की तरफ जा रही है, कितने से जा रही है, 8 मीटर पर सेकंड से, तो ये रस्सी भी कितने से जा रही है, 8 मीटर पर सेकंड से, ये रस्सी भी कितने से जा रही है, 8 मीटर पर सेकंड से, यस और नो, जल्दी बताओ भाई चैट बॉक्स में, इतनी बात क्लियर, तो यस लिख दो, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, VB का cos 37 वाला कंपोनेंट 8 के बराबर है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे भाई, VB का कंपोनेंट जो रस्सी के अलोंग है, यस और नो, तो कितना आ गया, VB cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू 8, तो VB इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर पर सेकंड, मेथड वन, मेथड वन हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, ठीक है। अगला मेथड इसी को करने का, अगला मेथड क्या बेटा, ध्यान से देखो, अगला हम कैलकुलस लगाएंगे, फिर टेंशन वाला मेथड लगाएंगे, वर्चुअल वर्क वाला, एक चीज देखो बेटा, रस्सी जा रही है 8 से, तो B की वेलोसिटी बतानी थी अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि B की वेलोसिटी तो मुझे कुछ ना कुछ है ही, उसी का एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग था और एक कंपोनेंट रस्सी के परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब मैं कैलकुलस अप्रोच लगा रहा हूं, दोनों से करके देख लो, आपको पता चल जाएगा किससे सही आएगा, कैलकुलस। अब जरा देखो, ये जो लेंथ है ये हमेशा फिक्स रहेगी, इसको मैंने एल मान लिया, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, गौरांगी कह रही कब कौन सा मेथड लगाएंगे, बेटा कोई सा भी लगा, मैं तो तीनों मेथड बता रहा हूं, ठीक है, इतनी बात, जो तुझे आसान लगेगा वो लगा लेगा। अब क्या कहानी है, सबसे पहले तो dx अपॉन dt इज व्हाट, vb, क्लियर है ये बात, dx अपॉन dt vb होगा कि नहीं, जल्दी बताओ भाई, अभी जो मेथड चल रहा है उस पर ध्यान दे, अंश, dy अपॉन dt इज va, दैट इज 8, यस और नो। अब ध्रुव कह रहा है कैलकुलस मेथड में कंडीशन कैसे पता चलेगी, भाई तो खुद देख ले कंडीशन कैसे पता चलेगी, ये क्या हो गया, को मिनिमाइज करो, कहां से मिनिमाइज होगा,
कंडीशन तो देख ले जरा, एक मिनट, कंडीशन क्या है? ये हाइट कभी भी चेंज ही नहीं करेगी, ये हाइट तो कांस्टेंट है, तो कंडीशन तो यही देखनी है कि कौन सी एक चीज कांस्टेंट है, ये चेक करना है। तो कांस्टेंट क्या है? ये वाली हाइट। अब जरा देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बता दो मुझे। यार ये क्या हो रहा है, लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ध्यान से देखो, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू l का जीरो हो गया 2x dx अपॉन dt, 2 से 2 कट गया, y dy बाय dt, dy बाय dt इज व्हाट 8 इज इक्वल टू x dx बाय dt इज व्हाट vv। अब मुझे y अपॉन x बताना है, ये y हो गया अपॉन x इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट vv। अब y अपॉन x इज व्हाट sec 37, तो sec 37 5 बाय 4 इंटू 8 इज इक्वल टू vv, इट अगेन कम्स आउट टू बी vv इज इक्वल टू 10। हाँ या ना, जल्दी लिखो, अगर क्लियर तो यस लिखो फटाफट। हो गया, चलो अगला देखते हैं बेटा, अगला मेथड। अब वर्चुअल वर्क मेथड आता है तीसरा, अभी मैं और भी मेथड बताऊंगा, लेकिन हर ये तीन मेथड तो स्ट्रिंग और पुली के लिए लगते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, बाकी मेथड अलग अलग जगह पर लगेंगे। हम टेंशन डॉट वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जरा देखो, यहां पर टेंशन आएगा टी एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अब हमें पता है समीशन टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देखो, इस टेंशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो टी डॉट वी ए प्लस टी डॉट वी बी इज इक्वल टू जीरो। अब टी का मैग्नीट्यूड टी, वी ए का 8 और एंगल इनके बीच में कितना 180 डिग्री, तो माइनस साइन प्लस टी वी बी कॉस 37, कॉस 37 इज 4/5 इज इक्वल टू जीरो, तो टी से टी कट गया, तो वी बी इज इक्वल टू कितना 8 इंटू 5/4, तो वी बी इज अगेन इक्वल टू 10। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट जल्दी से। ये हो गया, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं दूसरे टाइप के कंस्ट्रेंट्स पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, फिक्स्ड पुली, ये ए ये बी, अब जरा देखो, ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री, हमें दे दिया गया इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे इसका वेलोसिटी बताना है। ठीक है, अब जरा देखो भाई, क्वेश्चन क्लियर सबको, तो यस लिखो एक बार। ठीक है, अब अगेन क्या कहानी हमारे पास, हमारे पास क्या खेल है कि एक मेथड तो ये था कि अलोंग द लेंथ वेलोसिटी क्या रहती है, स्ट्रिंग की सेम रहती है, लेंथ के अलोंग स्ट्रिंग की वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहती है। तो जरा एक काम करते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो, इस 10 का एक कंपोनेंट ऐसे ले लिया हमने,
तो इधर आ गया 10, ये एंगल 53 होगा, कॉस 53। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी, 10 कॉस 53। मानते हो या नहीं मानते हो जल्दी बताओ, पहले मैंने पहला मेथड अप्लाई करा, मानते हो या नहीं जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये होगा क्या, ये चीज क्या है, वीबी का कंपोनेंट, वीबी कॉस 37। वीबी का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना, अलोंग द लेंथ कितना आ गया, 10 कॉस 37। तो अब वीबी कॉस 37 इज इक्वल टू 10 कॉस 53, तो 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू वीबी कॉस 37 4/5, 5 से 5 कट गया, तो वीबी कम्स आउट टू बी 30/4 यानी कि 15/2। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई, क्लियर है। अब अगला मेथड देख लो, अब मैं कैलकुलस नहीं लगा रहा हूं इसमें, अगला मेथड में सिंपली क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क लगा देता हूं, क्योंकि मुझे सबसे आसान वर्चुअल वर्क लगता है। अब ये देखो, ये हमारे पास ए है, बी ए, ये कितने चल रहा है बेटा, ये चल रहा है 10 से, दे रखा में ये एंगल 37, ये एंगल 53, हमें बताना क्या है, वी बी। अब अगेन बेटा हम टेंशन वाला लेते हैं, टी यहां एक्शन, यहां रिएक्शन, यहां एक्शन, यहां रिएक्शन। अब अगेन टी डॉट वी ए प्लस टी डॉट वी बी इज इक्वल टू जीरो, यस और नो पहले बता दो मुझे। चलो कोई बात नहीं, अपोजिट एंगल, अच्छा ये 53 था, सॉरी बेटा एंगल मैंने गलत ले लिया, ये 53 है और ये 37 है, चलो कर देते हैं। अब ठीक है, एंगल चेक करो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से लिए मैंने कि नहीं लिए। चलो अब जरा देखो, कर देते हैं बेटा, अब ये टी डॉट वी ए, तो टी का मैग्नीट्यूड टी, वी ए का 10, कॉस 180-53 प्लस टी का मैग्नीट्यूड टी, वी बी का वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू जीरो, यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब ये टी से टी क्या हो गया, गायब हो गया। अब 10 कॉस 180-53 माइनस कॉस 53 प्लस वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया, वी बी कॉस 37 4/5 इज इक्वल टू 10 इंटू 3/5 कट गया, वी बी कितना आ गया 15/2। सिंपल, सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ, हो गया बेटा। एक बच्चा बोल रहा है कौन सा रिजल्ट कब, कौन सा तरीका कब यूज करना है, मैं साफ साफ बता दूं, अगर धागा है तो आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, अगर स्ट्रिंग है तो आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब कौन सा कहां लगाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब डिफरेंट टाइप, अब ध्यान सुनना, हमारे पास एक ये पुली है, अभी तक हमारे पास जितनी पुलिस थी वो पुलिस चल नहीं रही थी, वो रेस्ट पे थी। अब इफ पुली इज ऑल्सो इन मोशन, अब हम ये वाले सवाल करना चाहते हैं, अब ध्यान सुनना, इसके लिए कैसे कंस्ट्रेंट करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास पुली है, ये एक ब्लॉक है ए और एक ये दूसरा ब्लॉक है बी, ठीक
ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, पिछले वाले सारे खत्म, उनमें तीनों मेथड में से कोई भी लगाओ आपका चल जाएगा। ठीक है, पुली की ऊपर वेलोसिटी है वी पी और ए वाले की ऊपर की तरफ है वी ए और बी वाले की ऊपर की तरफ है वी बी। ऑल वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर है भाई? ठीक है नितिश मान, चुपचाप से अपना काम कर, हाल तो कमेंट करने पे लगा पड़ा है। अब इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ में नहीं आता लोगों को। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पुली ऊपर जा रहा है वीपी से, ए वाला ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है, बी वाला बी से जा रहा है और सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब ध्यान सुनना भाई, रीत हैंड रेज करने को मना करता हूं, तुम लोग बार बार करते रहते हो यार, बड़े बेकार बच्चे हैं। अब देखो भाई, अब ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता है मुझे रिलेशन बताना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन वीपी वीए एंड वीबी, इनके बीच में रिलेशन बताना है। क्लियर है भाई? अगर क्लियर तो यस लिखो, क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, क्या करते हैं बेटा, नाउ ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड ऑन लिफ्ट, सॉरी नॉट लिफ्ट, ऑन पुली। नाउ ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड ऑन पुली, मतलब ऑब्जर्वर मैंने पुली पे बिठा दिया, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर तो यस लिखो, पुली पे बिठा दिया। अब ध्यान सुनना, अब क्या कहानी है, जब मैंने ऑब्जर्वर पुली पे बिठा दिया बेटा, ठीक, तो अब जरा देखो, अब मोशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, यस नो, जल्दी बताओ भाई, अगर ये बात क्लियर तो यस लिखो। अब जो ऑब्जर्वर देखेगा दोनों ब्लॉक्स को विद रिस्पेक्ट टू पुली देखेगा, हाँ या ना? ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, जब पुली पे ये बैठ जाएगा तो इनमें से जो भारी होगा वो नीचे जाता हुआ दिखेगा और जो हल्का होगा वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, यस और नो? यस और नो? जब पुली के ऊपर बैठा हुआ है बंदा तो एक बात बताओ, उसे कैसा दिखाई पड़ेगा, एक ब्लॉक नीचे और एक ब्लॉक क्या ऊपर, पक्का? किसी को डाउट हो तो बता दो ये अभी भी, किसी को डाउट है? ठीक है, तो एक ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और एक नीचे, तो हम ये कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पुली वन ऑफ द ब्लॉक गोज अप एंड अदर डाउन, कह सकते हैं इतनी बात, अब ठीक है। अब जरा देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिख देते हैं ऊपर की तरफ, हम y एक्सिस मान लेते हैं पॉजिटिव,
इसकी वेलोसिटी हो गई वी जे कैप, इसकी वी बी जे कैप और इसकी वी पी जे कैप। अब सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज व्हाट, वी पी, चलो ये हो गया, अभी बाद में लिखेंगे। और दूसरे वाले की हो गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, इस वाले ऑब्जर्वर को तो यही दोनों वेलोसिटीज अपीयर करेंगी कि नहीं, जल्दी बताओ। जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इनमें से कोई एक ऊपर कोई एक नीचे, हां या ना, ठीक है, कोई एक ऊपर कोई एक नीचे। एक और चीज, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज विल बी सेम, ये बात समझ में आती कि नहीं आती? अगर नहीं आती तो बता दो मुझे, और आती है तो यस लिख दो, जिसको नहीं समझ में आती हो नो लिख देना भाई। मैंने कहा ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं, एक अप जा रहा होगा और एक डाउन जा रहा होगा, और वी पी बी, सॉरी वी ए बी, ए पी का मैग्नीट्यूड वी बी पी के बराबर होगा। मैंने ये बात लिखी है, जिनको समझ में आ गई बात वो यस लिख दें, जिनको नहीं समझ में आई वो नो लिख दें। चलो अब मैं बता देता हूं, रुक जाओ मत लिखो कुछ भी, मैं सारी बात बता रहा हूं, एक बात बताओ यार। चलो फिर से दोबारा से वही क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। हमारे पास क्या है, नाउ वी डील विद कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स विद मूविंग पुलीज। नाउ वी डील विद कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स विद मूविंग पुलीज। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, ये एक पुली है, ये ए और ये बी। ध्यान सुनना बेटा, सपोज दिस पुली इज एट रेस्ट, सपोज दिस पुली इज एट रेस्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सपोज ये पुली क्या है, रेस्ट पे है। अब देखो एक मिनट, अगर ये पुली रेस्ट पे है तो अब अगर ये पुली रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर अगर यहां पर आ जाए, ठीक है इतनी बात, तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हां या ना पहले ये बता दो मुझे कि अगर ये पुली रेस्ट पे है तो जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर लेगा पुली पे बैठ के, ये ग्राउंड वाली होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, ठीक। अब मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा वही चीज, थोड़ा ढंग से समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो। मैंने क्या कहा, अगर ये पुली रेस्ट पे है तो जो भी ऑब्जर्वेशन ये ए और बी के बारे में लेगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। मान लेते हैं बी वाला नीचे गया एक्स बी, तो ए वाला ऊपर गया एक्स ए, मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक चीज और, एक्स ए अप एंड एक्स बी डाउन, लेकिन एक्स ए मैग्नीट्यूड में एक्स बी के बराबर है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, सिंगल धागा है। सेम वे वी ए अप एंड वी बी डाउन, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी। सेम वे एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर अप है, ए बी डाउन है,
लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इतनी बात अगर आप सबको क्लियर तो यस लिख दो एक बार फटाफट। अब हम एक काम करते हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब अगर मैं सेम पुली पकड़ता हूं ये पुली हमारा ऊपर जा रहा है कितने से वी ए वी पी से और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है मान लो वी ए से और ये ब्लॉक वी बी से। ये ऑब्जर्वेशन किसने ली? दीज आर ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इतनी बात, नेट वेलोसिटी ए की वी ए है ऊपर की तरफ, नेट वेलोसिटी वी बी की ऊपर की तरफ वी बी है और नेट वेलोसिटी पुली की ऊपर की तरफ वी पी है। क्लियर है भाई? ठीक। अब जरा ध्यान सुनो, अब मुझे क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन VP, velocity of pulley, velocity of A and velocity of B। तो हम क्या करते हैं? Now observer is on pulley। अब observer हमने pulley पे बिठा दिया, ऑब्जर्वर पुली पे बिठा दिया, तो जो भी वो ऑब्जर्व करेगा वो विद रिस्पेक्ट टू पुली होगा या नहीं होगा? नाउ ऑब्जर्वर ऑन पुली, देयरफॉर मोशन ऑफ ए एंड बी ऑब्जर्व्ड विल बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। यस ऑर नो? यस ऑर नो जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, नया बना देते हैं। अब पुली रेस्ट पे हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर पुली पे है, तो पुली ऑब्जर्वर को कैसी अपीयर करेगी? रेस्ट पे। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली हो गया एक तो, और एक हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? हाँ, ऊपर की तरफ मैंने जे कैप मान लिया, वाई एक्सिस मान ली, मान सकते हो या नहीं? पहले बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। अब मजेदार बात देखो, वी ए पी एंटी पैरेलल टू वी बी पी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक नीचे जाता हुआ दिखेगा तो एक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अभी हमने देखा था जब पुली रेस्ट पे थी तो एक ब्लॉक नीचे जाता था और एक ब्लॉक किधर जाता था? ऊपर। सिंगल धागा है, यस और नो? सिंगल धागा है तो एक ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और एक ब्लॉक नीचे जाता हुआ, तो एंटी पैरेलल हो गया। अब बताओ किसको ऊपर मानना है किसको नीचे मानना है? आप बता दो अपने हिसाब से, आपकी मर्जी है। जिसको ऊपर मानना ऊपर मान लो, जिसको नीचे मानना नीचे मान लो। जल्दी बताओ किसको ऊपर मानना है? सिर्फ ए और बी लिख रहे हो, ए को ऊपर बी को नीचे, चलो ए को ऊपर मान लेते हैं बी को नीचे, तो ए ऊपर है और बी नीचे है। एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्योंकि सिंगल धागा है देयरफॉर सिंस सिंगल स्ट्रिंग देयरफॉर वी ए पी का मैग्नीट्यूड और वी बी पी का मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो?
ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं बेटा। चलो ये हो गया वी ए जे कैप, ये हो गया वी बी जे कैप और ये हो गया वी पी जे कैप। तो वी ए पी इज वी ए माइनस वी पी जे कैप अप, ये मैंने मान रखा है। इसी तरीके से वी बी पी इज वी बी माइनस वी पी माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों बेटा? क्योंकि नीचे की तरफ है, डाउन। यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब मजेदार बात देखो। अब जरा देखो एक मिनट, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों वेक्टर्स को इक्वेट तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं। यस और नो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो क्या? दोनों को इक्वेट कर सकते हो? जल्दी बताओ। विशाखा कह रही नो, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो मैं ये जरूर कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं वी ए पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी पी वेक्टर, ये लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बता दो मुझे। हां गौरांगी सही कह रही थी, माइनस लगा के इक्वेट कर सकते हैं, कर सकता हूं ना? ठीक है चलो कर देते हैं बेटा। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, ध्यान से देखो, तो जरा देखो क्या रिजल्ट आता है। वी ए माइनस वी पी जे कैप इज इक्वल टू, बेटा जो मैंने वेक्टर ले लिया तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप नेगेटिव आएगा, सॉरी ये अपने आप नेगेटिव यहां पर आएगा, सॉरी एक मिनट इसको जरा ध्यान से देखो। जे कैप लिखा, ये अपने आप डाउन है, ठीक है इतनी बात भाई। इनमें से अपने आप ही वीपी इससे बड़ा होगा, ये अपने आप आने वाला है, हमें लगाने की जरूरत नहीं माइनस साइन, क्योंकि मैंने वेक्टर ले रखा है। और अगर आप वेक्टर नहीं लोगे तो उसके हिसाब से कर दूंगा, अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब हम क्या करें, सॉरी यहां पर पी आएगा, वीपी तो इधर की तरफ माइनस कितना बेटा, वी बी माइनस वी पी जे कैप। क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, क्लियर है तो यस लिखो भाई। अब आप इक्वेट कर दो भाई, वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी पी, तो आप वी पी इधर ले आओ, तो वी पी कम्स आउट टू बी वी ए प्लस वी बी बाय टू, ये आ गया भाई, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, वी ए प्लस वी बी बाय टू इज इक्वल टू वॉट, वी पी। अब एक मिनट दूसरे तरीके से बता देता हूं, इसी को एक बार समझा देते हैं। आप ऐसे देखो, ध्यान से सुनना, ये वी पी है, दोबारा से देख लो, ये बी है, ये ए है, दिस इज वी ए, दिस इज वी बी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ जाएं, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू पुली आ जाएं, विद रिस्पेक्ट टू पुली आ जाएं, व्हाइट कलर में विद रिस्पेक्ट टू पुली है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी ए पी, मान लो ऊपर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी वी बी पी, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, वी बी पी नीचे की तरफ, वी ए पी ऊपर की तरफ, ठीक है। व्हाट इज वी ए पी इन मैग्नीट्यूड? वी ए पी इज वी ए माइनस वी पी, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखें तो ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ बेटा,
ठीक है, अब वी बीपी क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वी बी माइनस वीपी। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये किधर है, डाउनवर्ड है, तभी तो इक्वेट कर पाऊंगा इन दोनों को मैग्नीट्यूड में। अरे भाई माइनस साइन इसलिए लगाया, वेलोसिटी है डाउनवर्ड, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो वी ए पी इज इक्वल टू वी बी पी, कितना आ गया बेटा, वी ए माइनस वी पी, वेक्टर नहीं लगाया भाई मैंने, तो इसलिए ऊपर वाली हर चीज पॉजिटिव, नीचे वाली हर चीज नेगेटिव, कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी पी। अब कर लो भाई, यहां से भी वही सेम रिजल्ट आएगा, वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन टू। क्लियर भाई, जल्दी बताओ मुझे, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन करें इस पर बेस कुछ दो चार। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करते हैं तो शायद और क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट का सॉरी लिफ्ट नहीं पुली है, सॉरी पुली गलती से निकल गया, ये ग्राउंड से धागा बना हुआ है, धागे का दूसरा एंड यहां पर ब्लॉक ए है। अब क्या कहानी है, ब्लॉक ए हमारा पुली ऊपर जा रहा है, कितने से ऊपर जा रहा है बेटा, पुली इज मूविंग अप विद वेलोसिटी हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। आंसर मत बताओ बेटा, कोई जरूरत नहीं आंसर बताने की। अब जरा देखो, पहले ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, हम क्या करते हैं, पुली के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, पुली के ऊपर बैठ जाते हैं, ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं, एक बात बताओ, पुली के ऊपर अगर आप बैठ गए, ठीक है, इतनी बात, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी कैसी अपीयर करेगी, या आप डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगाओ तब देखो, आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। आप ऐसे देखो, इस एंड को अगर मैं बी मानूं, तो वी बी कितना है, जीरो है या नहीं, पहले बताओ मुझे, यस और नो, इस एंड को अगर बी मानता हूं, वी बी जीरो है या नहीं, ठीक है। अब आप क्या करो, वी ए प्लस वी बी अपॉन टू इज इक्वल टू वी पी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ भाई, लिख सकते हैं भाई, वी ए प्लस वी बी अपॉन टू इज इक्वल टू वी पी, वी ए निकालना है, अपॉन टू वी बी जीरो हो गया, इज इक्वल टू वी पी इज व्हाट, 10, तो वी ए इज इक्वल टू हाउ मच, 20, वी ए इज इक्वल टू 20। किसी लोग कुछ लोगों को डाउट अभी, और पॉजिटिव आया तो कैसा, अपवर्ड, पॉजिटिव आया तो कैसा, अपवर्ड। किसका डाउट है भाई, निगम का डाउट है, नहीं समझ आया, गौरांगी फॉर्मूला क्या था जरा बताना मुझे, गौरांगी फॉर्मूला क्या था, जो दो पॉइंट्स रस्सी के जुड़े हुए हैं उन दोनों की वेलोसिटी का सम अपॉन टू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, ठीक है, पुली की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और ये जो पॉइंट है बी वाला, ये रेस्ट पे है या नहीं, ये चल रहा है क्या ग्राउंड के साथ, जो पॉइंट है निगम, ठीक है। अब अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, मैंने साइन कन्वेंशन ले लिया, ऊपर की तरफ जो भी चीज होगी पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो भी चीज होगी उसको नेगेटिव ले लिया हमने, बस इतना ध्यान रखना। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, दिस इज ए गोइंग डाउन विथ वेलोसिटी 5, दिस इज बी एंड पुली इज गोइंग अप विद वेलोसिटी हाउ मच, पुली इज गोइंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अप, फाइंड वी बी। अब हमें फॉर्मूला पता है, वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन टू, ये सबको पता है, अगर पता है तो यस लिख दो भाई। अब जरा देखो, वी पी
ऊपर की तरफ है पॉजिटिव कन्वेंशन 10 VA, नीचे की तरफ है -5 प्लस VB, इसके बारे में जानते नहीं तो ऐसे लिखेंगे अपॉन 2। तो बेटा जरा देखो VB कितना आ गया 25, पॉजिटिव आया तो अप हो गया 25। अब 15 कहां रहा बेटा, 10 इंटू 2 कितना 20 प्लस 5 कितना 25, अरे 15 कैसे आ रहा है। अंश शर्मा क्या कर रहा है, गौरांगी 15 कैसे आएगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आपको क्या दिख रहा है। अगला देखो भाई क्वेश्चन, क्लियर है सबको, अगर क्लियर तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से, अगर क्लियर बेटा तो यस लिखो फटाफट, और क्वेश्चन करें हम इस पे। चलो और देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या हमारे पास ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए वाला ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, बी वाला नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है इतनी बात, सी वाला ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड, ये वाली पुली हमारी ऊपर जा रही है 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड वी डी, करना चाहोगे, अगर करना चाहोगे तो यस लिखो फटाफट, करो फटाफट जल्दी करो भाई। करना चाहोगे तो करो, वासु ने कहा 26 अपवर्ड, अपवर्ड नहीं बोला, अंश ने 39 बोला, दोनों के आंसर गलत हैं, 7.5 गलत है, 31/2 गलत है, 23 दिव्यांश ने 23 बोला है, बेटा ऊपर या नीचे, दिव्यांश 23, श्रेया ने 23 बोला है, 23 आंसर ठीक है। अब मैं करा देता हूं, रुक जाओ भाई, आप इसको पुली 1 मान लो, इसको पुली 2 मान लो, इसको पुली 3 मान लो, ठीक है। अगर आपको ए और बी की वेलोसिटी पता है तो आप पुली की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं, तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2, ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ये बात क्लियर है तो यस लिखो। अब क्वेश्चन छोड़ दो, आंसर मत बताओ मुझे, ये बात क्लियर है, इस पुली की वेलोसिटी क्या होगी, वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। हमने ऊपर वाले हर चीज को पॉजिटिव माना, नीचे वाले को नेगेटिव माना है, कन्वेंशन हम यही यूज कर रहे हैं। अब जरा देखो, तो वी वन इज वी ए, वी ए इज 2, वी बी इज वॉट -5 अपॉन 2, तो वी वन आ गया हमारे पास -3/2, तो ये नीचे जा रहा है कितने से, -3/2 से, ठीक है भाई, दिस इज वी वन, क्लियर है भाई, अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो, माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, जल्दी लिखो भाई यस चैट बॉक्स में, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, रुक जाओ, अब आते हैं हम, ये पुली हमें पता है चलती हुई, अब एक चीज देखो, ये एक ब्लॉक हो गया और ये दूसरा ब्लॉक हो गया इस पुली के लिए, तो हम ये कह सकते हैं V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2, कह सकते हैं या नहीं, अगर कह सकते हैं तो यस लिखो, क्योंकि इस पुली के दोनों धागों से यही दोनों कनेक्टेड है, अगर कह सकते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखो। तो अब जरा देखो भाई क्या आ गया, V3 कितना है ऊपर की तरफ 7 दे रखा है, V1 इज व्हाट -3/2 प्लस V2 अपॉन 2, तो बेटा इधर भेज दो, कितना आ गया 14 प्लस 3/2 इज इक्वल टू V2,
यानी कि 15.5 इज व्हाट V2 पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट। अब आ जाओ इधर, V2 किसके बराबर होगा? V2 इज इक्वल टू VC प्लस VD अपॉन 2, यही होगा कि नहीं होगा? चैट बॉक्स में यस लिखो अगर क्लियर है तो, चैट बॉक्स में यस लिखो अगर क्लियर है। अब एक बार बताओ, अगर आप यहां कोई और मेथड लगाते तो आपकी बैंड बच जाती, तो उससे अच्छा है कि हम यही वाला मेथड लगाएं। अब जरा देखो V2 कितना है, 15.5 इज इक्वल टू VC, VC इज 8 प्लस VD अपॉन 2, तो 15.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 31, तो VD इज इक्वल टू 31 माइनस 8, इट मीन्स VD इज इक्वल टू 23 पॉजिटिव, इट मीन्स अपवर्ड। यस और नो जल्दी बताओ, कोई और मेथड नहीं है तेजस? हल तो बकवास कर रहा है, हर चीज के लिए मेथड चाहिए ने। हो गया, अगला देखो भाई, अगला देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे। अब ऊपर वाली पुली फिक्स है छत से, ठीक है, हमारे पास ये एक प्लैंक है ए और ये बी, ये ए वाला नीचे जा रहा है कितने से, ए वाला नीचे जा रहा है 10 से, तो मुझे क्या बताना, फाइंड VB, करना चाहोगे भाई? अगर करना चाहते हो तो यस लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, चलो कर दो। चलो कुछ लोगों ने आंसर लिख दिया, 70 किधर, ऊपर नीचे भाई, ऊपर नीचे ही बता दो यार। तेजस नागरू मर गया तू, तो नीचे बता रहा है गधा, ऊपर जाएगा वो। चलो बता रहा हूं, अब आप देखो एक मिनट, आपके पास क्या है, ध्यान से देखो, आप ऐसे देखो, ये पॉइंट नीचे जा रहा है 10 से, ठीक है, चलो ऐसा नहीं करते हम दूसरे तरीके से पकड़ते हैं, ये ब्लॉक 10 से नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक, ये पुली रेस्ट पे है, तो मैं इसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूं, तो ये रेस्ट पे है, तो 0 इज इक्वल टू, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया बेटा, 0 इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज माइनस 10 अपॉन 2, तो V1 इज इक्वल टू 10, V1 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अब V1 10 आ गया ऊपर की तरफ, अब ये 10 आ गया ऊपर की तरफ, दिस इज V1, अब ये पॉइंट 10 से नीचे जा रहा है, और ये पॉइंट मुझे नहीं पता, इसको V2 मान लेते हैं, तो जरा देखो, V1 इज इक्वल टू V2, ये माइनस 10 होगा अपॉन 2, एंड दिस V1 इज ऑल्सो व्हाट, 10, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा, मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा है, या चाहते हो तो मैं पूरा प्रॉपरली लिख दूं? ठीक है, तो कितना आ गया V2, कितना आ गया आपके पास, 30 पॉजिटिव आ रहा है, ये भी ऊपर है, अब ये पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से, 10 से, तो अब जरा देखो, V2 दैट इज 30 इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी माइनस 10 प्लस VB अपॉन 2, तो VB कितना आ गया बेटा, जरा देखो, VB इज इक्वल टू 70 पॉजिटिव, दैट इज अप, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई, क्लियर है?
नॉट क्लियर, एक बच्चे ने लिखा नॉट क्लियर और बाकी लोग लिख रहे हैं इजी प्रॉब्लम। जिसको नहीं क्लियर है भाई वो बता दो। चलो ज्यादातर लोगों को क्लियर है, जिनको नहीं क्लियर है वो दोबारा से इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब बाकी कंस्टेंट्स हम कल करेंगे बेटा, आज नहीं करेंगे, ठीक है, कल देखेंगे बाकी कंस्टेंट्स। अभी और भी कंस्टेंट्स हैं, ठीक है, इसमें वर्चुअल वर्क लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा।